so here welcome to this another episode with me Arshi and in this video i'm going to talk about examination which is being given by a lot of students who are planning for their abroad education especially when it comes to canada and us and i'm going to talk about sat exam right so we'll first of all talk about what is sat exam right it is basically an entrance test which helps students Who are aspiring to get for their undergraduate courses in Canada and USA, right? Especially undergraduate courses abroad, and especially in US and Canada colleges and universities. So, I mean, I think you already know this कि अगर आप आबाद में colleges के लिए apply कर रहे होते हैं, तो हर college की हर university की कुछ certain requirements होती हैं। वैसे तो India से students या फिर globally students abroad masters courses के लिए ज़्यादा जाते हैं, but ये time के साथ change हो रहा है। Now यू you नो know, बहुत सारे स्टूडेंट्स अंडर ग्रेज कोर्सेस के लिए भी अब्रॉड को प्रिफर करते हैं तो जिस तरह की यूनिवर्सिटी और कॉलेज को आप टारगेट कर रहे होते हैं दे आस्क सर्टन थिंग्स जिसमें आपकी प्रोफाइल के अलावा राइट आपके एस के अलावा आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के अलावा आपको कई तरह के एग्जामिनेशन जैसे कई आइय देते हैं टफल देते हैं उसी तरह से एक, एक, एक एग्जाम होता है जो कि स्टूडेंट अंडर ग्रेजुअट कोर्सेस के लिए देते हैं यूएस एंड कैनेडा के अंदर सबसे पहले इसका यूज क्या होता है तो ये एग्जाम जो है वो इवेलुएट करता है सॉरी रीडिनेस हाई स्कूल स्टूडेंट टू मेजर कि क्या वो रेडी है कॉलेज में पढ़ने के लिए एक तरह से एनालिटिकल लेवल का एग्जाम होता है और सेट भी जो है वो दो तरह के होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे एलिजिबल है या नहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आपको इंजीनियरिंग करना है तो आप जेई का एग्जाम देते हो या फिर आपको एम बी करना है तो आप नीट का एग्जाम देते हो या फिर अगर हम बात करें अभी जैसे सी का एग्जाम आया है फॉर दंडरग्रेज यू नो कोर्सेज तो उसी तरह से ये भी एग्जाम होता है करने के लिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और उसके बेसिस पे कितनी अच्छी और कितनी एवरेज यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हो वो डिपेंड करता है देन अगर हम आईलाइट की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है असेसमेंट टेस्ट दिस इज बेसिकली देर एफ ऑफिशियल वेबसाइट आप चाहो तो आप एक बार चेक कर सकते हो दैट इज सैट स्वीट डॉट कॉलेज बोर्ड डॉट ओ आर जी राइट अगर हम इसके अलावा बात करें मोस्ट पॉपुलर जो है वो अंडरग्रेज कोर्सेज के लिए है यूएस और कैनेडा के अंदर जो कंडक्ट करते हैं इस एग्जाम को उसका नाम है द कॉलेज बोर्ड राइट ये रिटर्न बेस्ड एग्जामिनेशन और ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है साढ़े तीन घंटे के आ, का एग्जाम होता है अगर हम विदाउट दी एस ए नो देते हैं कुछ यूनिवर्सिटी uh, में स्पेसिफाई होता है कि आपको कौन सा देना है विदाउट ऐसे वन जीरो वन डॉलर्स का फीस स्ट्रक्चर है एंड विद ऐसे ए वन वन सेवन डॉलर्स का फीस स्ट्रक्चर है स्कोर का जो रेंज है वो सिक्सटीन हंड्रेड फोर हंड्रेड टू सिक्सटीन हंड्रेड का रेंज होता है पॉइंट्स होते हैं राइट right? जिसमें से आपको

कुछ ही कॉलेजेस ज़्यादातर कॉलेजेस जो हैं वो सेट वन मतलब जनरल टेस्ट को रिकमेंड करते हैं बट कुछ कॉलेजेस स्पेसिफाई करते हैं रिकमेंड करते हैं कि आपको सेट का सब्जेक्ट टेस्ट स्कोर यू नो रिक्वायर्ड है तो ये आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको देना पड़ता है एग्जाम फीस की अगर हम बात करें तो यू नो फिफ्टी टू डॉलर एग्जाम फीस विद ऐसे फीस सिक्सटी यू नो एट डॉलर्स आपने अभी देखा होगा एक और हम यू नो फीस की बात कर रहे थे पर दैट्स अ जेनरिक काइंड ऑफ अ थिंग कि आप कौन सा सेट एग्ज़ाम दे रहे हैं सेट की लास्ट डेट सॉरी लास्ट रजिस्ट्रेशन फीस जो है लास्ट डेट के साथ थर्टी डॉलर जो है ऐड हो जाते हैं चेंज इन रजिस्ट्रेशन थर्टी डॉलर एड हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन uh, फीस जो है दैट इज़ ट्वेंटी सिक्स डॉलर तो ऐसे करके यू नो जो है टोटल फ़ीस कैलकुलेट होती है आप एक बार फीस को रीवेरीफाई भी कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देव मैंशन की

फीस कहीं ना कहीं लगती है उस स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो साठ की जो स्कॉलरशिप है इंडियन स्टूडेंट्स को मिलती है जहाँ पे आपको हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिलती है ऑन योर ट्यूशन फीस बट ये उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलती है जो थर्टीन हंड्रेड या उससे ज़्यादा स्कोर करते हैं अपने साठ के स्कोर में एग्जाम में एंड इनकम सर्टिफिकेट इनकम भी जो है वो अंडर एक पैरामीटर होना चाहिए देन उसके बाद अगर हम बात करें एडिशनली स्टूडेंट्स कैन अपलाई फॉर स्कॉलरशिप वैन अपलाइंग फॉर देर एडमिशन एंड कॉलेज बोर्ड हैज पार्टनर्ड विद वेरियस इंडियन यूनिवर्सिटीज फाउंडेड द इंडियन ग्लोबल अलाइंस थ्रू विच कैंडिडेट कैन ऑपटे चार्स ऑफ स्टार्टिंग इन टॉप यू नो रेपटेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कैन इवन अवेल फॉर स्कॉलरशिप्स फाउंड स्कॉलरशिप अगर आपकी फैमिली इनकम इज बिलो एट सर्टन थ्रेश होल्ड तो आपको हंड्रेड परसेंट ट्यूशन फ्री ऑफर की जाती है बट उसके लिए थर्टीन हंड्रेड या उससे ज़्यादा का स्कोर साठ में रिक्वायर्ड है एग्जाम सेंटर्स एट्टी सिटी से ज़्यादा सेंटर्स में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है एग्जाम डेट्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम डेट्स इन इंडिया या आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं एज पर दी अवेलेबिलिटी राइट और स्टूडेंट जो हैं वो टेस्ट स्कोर को यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में भेज सकते हैं दैन उसके बाद अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फॉर द सेट एग्जामिनेशन कैन भी डन बाई योर ऑनलाइन ई मेल आई डी फोन एंड ऑल दीज थिंग्स एंड थ्रू आउट दी ओपन ईयर ओपन रहते हैं बट सेट टू के लिए मे जून जहां जैसा कि वहाँ पे मेंशन था उसी पॉइंट ऑफ़ कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अगर हम उसके अलावा बात करें तो चेंज डेट करने के लिए इन लास्ट रजिस्ट्रेशन आपको एडिशनल फीस करनी पड़ती है जो हमने एक स्लाइड देखी भी थी और सिलेक्टेड कॉलेज फॉर टेस्ट ऑप्शनल उसके साथ साथ ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट होता है राइट कैन बी डन सॉरी सेट एग्जाम रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा मेल के थ्रू बट एग्जाम जो है वो ऑफलाइन कंडक्ट conduct होता है थ्री आवर्स फिफ्टी मिनट्स का एग्जाम है वन सॉरी द टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेट एग्जामिनेशन रिटिंग इन लैंग्वेज मैथ इज़ वन यू नो एटी मिनट्स थ्री आवर्स वेर इज अगर आप ऐसे एडिशनल करते हो तो थ्री आवर फिफ्टी मिनट्स का एग्जामिनेशन होता है ए सी टी का जो एग्जाम है वो फोकस करता है पास कॉम्पिटिशनल कैपेबिलिटीज बट अगर हम बात करेंगे अप्लाई कर रहे हो वहां पे कौन सा एग्जाम ज्यादा रिक्वायर्ड है तो आई थिंक ऑल अब दिस एपिसोड आई होप यू लाइक एंड